Assalamu alaikum, welcome to Ariba Drawing Tutorials. Welcome back my viewers. So today I am drawing a very colorful, beautiful scenery of a village. So don't skip the video and watch it full, because at the end I'm going to color it very beautifully and you will like it. So first of all, I am drawing two coconut trees. I'm using a 2HB pencil. Any pencil you are comfortable with, you can use. There is no any restriction. You can use a marker, you can use a pointer, whatever you are comfortable with. I always say beginner's drawings are just very easy for you, and I make it more easier for you. So you can easily draw it. Just take out your pencil and drawing book and start to draw with me. तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक झोपड़ी उन्हीं दो कोकोनट की ट्रीज के पास. आई एम ड्रॉइंग अ विंडो इन इट, अ डोर इन इट, अनदर हाउस एडजेसेंट टू दैट वन. आई एम ड्रॉइंग मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का. आप ही की मदद से और सपोर्ट से मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मिले और इतना मेरा चैनल अभी ग्रो होगा. तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा हमेशा की तरह. मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश भी करूँगी. तो आपको मेरी ड्राइंग्स कैसी लगती है, कैसी है मेरी ये वाली ड्राइंग्स, और फ्यूचर में मुझे कैसी ड्राइंग्स बनानी चाहिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. सो यहाँ पे मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ एक दरिया, फिर उसमें एक किश्ती. पीछे की जानिब आई हैव ड्रॉन सम बुशेस एंड नाउ आई एम कंप्लीटिंग द half of the painting. Just wait and watch. The coloring part is the most interesting one. Please do wait for that part. I'm using very soft, simple pencil colors, but they are very easy to use and using a good quality, so they are good to use. I am shading the bark of the tree with this brown pencil, and it looks very real. Now I'm drawing darker lines in it to give it a real bark look. Now giving it an outer line. इस ड्राइंग को लास्ट में देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी. बिकॉज व्हेन आई कंप्लीटेड एंड फिनिश द कलर्स, माय होल फैमिली टोल्ड मी दैट दिस ड्राइंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे टू द एंड. नाउ आई एम कलरिंग द अपर पार्ट ऑफ द ट्री, द लीव्स विद अ ग्रीन क्रेयॉन. यू कैन यूज अ कलर ऑल्सो. मैं हमेशा कहती हूँ अपनी ड्राइंग्स में, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फलानी चीज़ यूज़ करें या फलानी. जब आप बिगिनर्स हों तो आप किसी भी चीज़ के साथ शुरुआत कर सकते हैं. फर्दर आपकी ड्राइंग्स अच्छी होने लगी तो फिर आप अपनी मर्जी के और बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ें यूज़ किया करें. यहाँ पर मैं इस हट को ब्राउन कलर स्ट्रोक्स में शेड करूंगी ऊपर से. इसको मैं फुल कलर नहीं करूंगी. याद रखिए, आप भी फुल कलर मत कीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा. अब जैसे मैं ये शेड्स दे रही हूँ तो इसके साथ मैं कुछ और भी शेड्स मिक्स करूंगी ताकि हट रियल से रियल लुक दे. आप देख सकते हैं ऊपर की जानेब और नीचे की जानेब उसी ब्राउन पेंसिल से आई जस्ट गेव द स्ट्रोक्स एंड कलर्ड इट. Now in between I'm using the yellow pencil. अब yellow pencil की भारी देखिए, yellow pencil से उसमें कितनी जान आ गई, कितना real लग रहा है. बिल्कुल आप भी इसी तरह कीजिए. आप paints भी use कर सकते हैं, लेकिन paints को handle करना beginners के लिए थोड़ा सा difficult होता है. अगर आप colors से शुरुआत करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा messy भी नहीं होगा और आप handle भी कर पाएंगे. अब इसमें थोड़ा सा टच मैं रेड कलर का भी दूंगी इसको मोर रियल दिखने के लिए.
देखिए मैंने आपसे कहा था कलरिंग का पोर्शन कितना रिलैक्सिंग और सूदिंग है, क्योंकि ड्राइंग खुद में ही एक बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग थेरेपी है। तो आप जब भी फ्री बैठे हों तो ड्राइंग ज़रूर कीजिए, स्पेशली सीनरीज बहुत बनाया करें। सीनरीज आपके माइंड को एक बहुत ही पीसफुल इमेजिनेशन देती है जब आप सीनरीज बनाती हैं, बिकॉज दे आर वेरी ईजी टू ड्रॉ एंड इट गिव्स यू अ ब्यूटिफुल इमेजिनेशन। आई एम यूजिंग अ ब्लू कलर फॉर दिस सीन, ठीक है। इस दरिया को मैंने फुल ब्लू कलर दे दिया है एंड ड्रॉइंग इन वन स्ट्रोक, इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल एक ही प्रोपोर्शन में हॉरिजॉन्टली कलर करना है। मुझे आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं ड्राइंग्स के। अभी मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जितना रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं, बिलीव कि मेरा चैनल कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा ग्रो करेगा और आप सब मेरे साथ ड्राइंग ज़रूर सीख पाएंगे। मैं आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी आपके लिए दिन में 2 से 3 ड्राइंग्स के वीडियोज़ अपलोड करने की। यहाँ मैं बोट को पर्पल कलर दे रही हूँ, फिर उसमें कुछ डार्क ब्लू ऐड कर रही हूँ, अब ब्राउन ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ। यहाँ की जो ग्रास थी नीचे दरख्तों के साथ, नाउ आई एम जस्ट कलरिंग दैट इन ग्रीन, डार्कर ग्रीन। और पीछे जो झाड़ियाँ मैंने बनाई थी इन घरों के पीछे, उन बुशेस को, नाउ आई एम ऑल्सो कलरिंग दैट इन ग्रीन, फुल ग्रीन। सो जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस ड्राइंग इज लुकिंग एंड गिविंग अ वेरी इमेजिनेटिव लुक। तो इसी तरह बुशेस को मैं कलर करूँगी और उसके बाद हल्का ब्लू कलर स्काई के लिए। सो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई विद जस्ट सिंपल कलरिंग एंड ओनली यूजिंग ए पेंसिल। सो आपको कैसी लगी ये ड्राइंग ज़रूर कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेट एंड वॉच टिल एंड। बाय, लव यू।